मिनी ट्रैक्टर मेकिंग शुगर केन जूस। एक गांव में विरूपाक्षा नाम का एक पागल साइंटिस्ट हुआ करता था। वो इंसानों पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहता था। इस वजह से सब उसे वायरस कहकर बुलाते थे। एक बार वायरस एक नया प्रयोग करने के लिए सोच रहा था। वो ये था कि इंसान और चीजों को छोटा करके उन्हें बड़ा कर सकते हैं कि नहीं, वो ये देखना चाहता था। उसके एक्सपेरिमेंट के लिए बड़े लोग नहीं आएंगे, ये सोचकर बच्चों पे प्रयोग करने के लिए सोचा। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक बच्चा था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत होने के कारण बिट्टू की माँ सुमा बहुत मेहनत करके उसे पाल रही थी। बिट्टू बहुत समझदार बच्चा था। क्लास में हरदम वही फर्स्ट आता था। एक बार वायरस बिट्टू के स्कूल को आकर प्रिंसिपल से बात करके उन्हें मना कर बच्चों से बात करने लगा। वायरस बच्चों से, देखो बच्चों, मुझे आप में से बहुत समझदार बच्चा चाहिए। उस बच्चे को मैं बहुत सारे पैसों के साथ साथ मेरे लैब में मेरे साथ काम करने का मौका भी दूंगा। इस मौके का फायदा उठाने वाला बच्चा कौन है देखता हूँ। मैं थोड़े प्रश्न पूछूंगा, उनके जवाब देने वाले को मैं सिलेक्ट करूंगा। कहकर पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है कहकर पूछा। तब बिट्टू हाथ उठाकर H2O कहा। वायरस तब शाबाश शाबाश कहकर और थोड़े प्रश्न पूछने लगा। बिट्टू उन सब के सही उत्तर देता है। ये देखकर वायरस आश्चर्य में पड़कर गुड गुड, आखिर में मेरे साथ काम करने के लिए तुम्हारे क्लास से बिट्टू सेलेक्ट हुआ है कहा। बिट्टू बहुत खुश हुआ। वायरस बिट्टू के माँ को थोड़े पैसे देकर बिट्टू को अपने लैब को ले गया। लैब में वायरस बिट्टू से, देखो बिट्टू, अब मैं तुम पे एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूँ कहा। ये क्या सर, मगर आपने तो मुझे सिर्फ असिस्टेंट के तौर पे ही रखे थे ना, अब मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स करने क्यों कह रहे हैं पूछा वायरस तब। रे बच्चों, वो सब झूठ है। सच कहूँ तो मेरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए बड़े लोग तैयार नहीं होंगे ना, इसलिए तुम्हें लेकर आया हूँ कहा। ये सुनकर बिट्टू डर के मारे भागने लगा। तभी वायरस एक अजीब गन से बिट्टू को शूट करता है। उस गन के अंदर से रेज निकलकर बिट्टू को लगते हैं। बस बिट्टू एक लिलीपुट के जैसे बदल जाता है। बिट्टू अब वो पागल साइंटिस्ट उसे और क्या करेगा सोचकर वहां से भाग गया। ऐसे भागते भागते तेजी से हवा आने के कारण बिट्टू उड़कर एक नदी में गिर के डूब जाता है। थोड़ी देर के बाद बिट्टू के आंखें खुली। उसके सामने उसके कद के लिलीपुट इंसान दिखे। उसने देखा कि वहां पर लिलीपुट्स गन्ने का खेत उगा रहे थे। तभी वहां पर लिलीपुटों का नायक आया। वो बिट्टू से, क्यों बालक, तुम किस देश के वासी हो? क्या तुम हमारे शत्रु देश लिलीपुट के देशवासी तो नहीं हो कहकर पूछा। बिट्टू तब, नहीं जी, असल में मैं लिलीपुट नहीं हूँ कहकर उस साइंटिस्ट के किए अन्याय के बारे में उन्हें बताया। तब लिलीपुटों का नायक, अरे रे, कितना अन्याय हुआ, रुको, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें मंत्र तंत्र विद्या आती है। हम तुम्हें चमत्कारी गन्ने का जूस पिलाएंगे, उसे पीने के बाद तुम अपने असली कद में आ जाओगे कहकर चार लिलीपुट्स मिलकर मेहनत करके हाथों से गन्ने का जूस निकालकर बिट्टू को देते हैं। बस बिट्टू उसे पीते ही वो फिर से अपने असली कद में आ जाता है। बिट्टू उन लिलीपुटों से, नायक, आपने मेरी बहुत मदद की, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बदले में आपकी मदद करने की सोच रहा हूँ। आप लोग खेती बाड़ी करने के लिए, फसल काटने के लिए बहुत मेहनत कर रहे कहकर मुझे समझ आया है, इसलिए मैं आपको एक ट्रैक्टर बना कर दूंगा। उसके साथ साथ आपको गन्ने का जूस निकालने के लिए एक अच्छी मशीन भी बना कर दूंगा कहकर बिट्टू उन्हें एक ट्रैक्टर के साथ साथ गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन भी बनाकर देता है। वो लिलीपुट उस ट्रैक्टर को चलाते हुए बहुत खुश होते हैं। उस गन्ने के मशीन की मदद से आसानी से जूस निकालकर उसे पीकर वो लोग बहुत खुश होते हैं।
नायक तब, बालक तुमने हमारी बड़ी मदद, उसके बदले ये सारा सोना तुम ही ले लो, कहकर दो बक्से भर के सोना बिट्टू को देता है। नायक, तुम्हारे साथ अन्याय करने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे, कहा। बिट्टू उस सोने को लेकर घर जाता है और एक बड़ा घर खरीदता है। वो लिलीपुट्स लोगों को सताने वाले उस पागल साइंटिस्ट को भी लिलीपुट बनाकर उसे टॉर्चर करने लगते हैं।